लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब आप 203 में गए थे ना सर? 302। आप तो 203 में गए थे सर। जोरा जरा गौर से देखिए, वो अजय श्रीधर जो भेष बदलने में माहिर है और जो भेष बदलकर किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, इसलिए इसे इसके डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहते हैं। आप भी देखिए प्लीज, आपको तसल्ली होगी। योर ऑनर, अजय श्रीधर ने अब तक जितने भी भेष बदले और जितने भेष बदल सकता है उन सबके हमने स्केचेस बनवाए। गजानन के मुताबिक 24 जुलाई की रात को सीशेल बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में अजय श्रीधर को खुद अपने पांव पर चलते हुए अंदर घुसते हुए देखा। ये फ्लैट अजय के कजन संजय का है जिसका उसी रात खून हो गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करने का है कि अजय श्रीधर खुद अपने पांव पर चलकर वहां गया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। गजानन जी, 24 जुलाई को आपने क्या इसी आदमी को देखा था अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, एक बार जिसका चेहरा देख लूं कभी नहीं भूलता। ये वही आदमी है जो 24 तारीख को हाथ में छड़ी लिए हुए बिल्डिंग में आया था। आप एक बार पूछो या हजार बार, मैं तो वही जवाब दूंगा ना। जिसे ये बता रहे कि अजय है, वो असल में संजय वर्मा है। अब इनकी बात माने तो संजय वर्मा 24 जुलाई को अपना ही हुलिया बदल के अपनी ही बिल्डिंग में क्यों गया? आप ही देख लीजिए ना एक बार निगम साहब, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या मजाक है? ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गवाह को बरगलाने की कोशिश है। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन टेक्नोलॉजी का उल्टा सीधा इस्तेमाल करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं गवाह पेश करना चाहूंगी जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मिस्टर विनय पटनायक। मिस्टर विनय पटनायक, क्या ये सच है कि कमिश्नर साहब ने आपसे ये केस वापस लेके सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा को दिया था? जी ये सच है। क्या ये भी सच है कि कमिश्नर के मना करने के बाद भी आपने इस केस पे काम बंद नहीं किया? कमिश्नर साहब के मना करने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों, आप मीडिया को फोन कर सकते थे, कमिश्नर पर प्रेशर डाल सकते थे? नहीं। या आना, ये रहे इनके फोन बिल्स की डिटेल्स। जिस दिन ये केस डिसूजा को दिया गया था उसी रात उन्होंने 3TV को फोन किया और एक इंक्वायरी कमेटी बनवाई और फिर खुद ये कमेटी के इंचार्ज बन गए। आप मिस्टर अजय श्रीधर को कब से जानते हैं? बहुत सालों से। और आपकी दुश्मनी कितनी पुरानी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमेशा से मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त थे कि आपसे इनकी तरक्की देखी नहीं गई। आप दोनों ने हमेशा एक सी मेहनत की, पर क्रेडिट मिला हर बार आपके दोस्त अजय श्रीधर को। आप दोनों ने मुजरिमों को एक साथ पकड़ा, पर मीडिया हाइप मिली अजय श्रीधर को। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप दोनों ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, पर मेडल के लिए रिकमेंडेशन हुआ अजय श्रीधर का। हाँ तो ही मस्ट बी डिजर्विंग, और मैं कभी मीडिया सेवी नहीं रहा हूँ, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मगर ये नहीं जानती थी कि आप अजय श्रीधर से इतना जलते हैं। आप हमेशा मौका ढूंढते थे अजय श्रीधर को नीचा दिखाने के लिए, और जैसे ही आपको ऐसा मौका मिला आपने मौके का फायदा उठा के अजय को फ्रेम किया। तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमको लगता है राधिका मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, लेट मी फिनिश। नहीं, तुमको अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऑब्जेक्शन, ये गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मुझे गवाह को प्रभावित, मुझे उसे डिफेंस में कुछ नहीं कहना है। ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कैन आई हैव ऑर्डर इन माय कोर्ट प्लीज? आई विल नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर। यस, यू मे प्रोसीड।
योर ऑनर, पूरा मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट ये जानता है कि अजय और विनय के बीच डिफरेंसेस थे। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं थे। सच, he has been a hot-headed and impulsive officer, foolishly daring, I must say, जिस बात को मैंने कभी अप्रूव नहीं किया है और इसी वजह से इनको गोली लगी है। इसको अगर आप डिफरेंस कहना चाहती है, आप डिफरेंस कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा आपने? Hot-headed और impulsive? Your Honor, अगर अजय सचमुच हॉट हेडेड और इम्पल्सिव है तो ये कोल्ड ब्लडेड और प्रीमेडिटेटेड मर्डर कभी कर ही नहीं सकते। फिर तो वो गुस्से में आके उसी वक्त तुम दोनों को मार देते। करेक्ट? थैंक यू मिस्टर पटनायक। दैट्स ऑल योर ऑनर। लगाओ, लगाओ, खाना लगाओ, खाना लगाओ, तुम ही खाओ, हमें तो भूख नहीं है। आप खा लीजिए दादा, सुबह भी आपने लंच नहीं किया था। लंच? तुम खाओ, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें काम करना है, कोर्ट में जाना है, बहस करनी है, केस लड़ने हैं, गलत को सही साबित करने की दलीलें तैयार करनी है, भाई को जलील करना है, उसको गलत साबित करना है। तुम खाओ दादा। ये केस में किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अजय को सही साबित करने के लिए लड़ रही हूँ। अरे मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ड हो, अब खाना खा के जल्दी सो जाइए। हाँ मैं सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, बहुत दिनों तक सोऊंगा। जिस दिन मैं गलत को गलत साबित कर दूंगा उस दिन सोऊंगा। फिर तो दादा आपको बहुत दिन जागना पड़ेगा। इस आदमी को पहचानते हो? Yes. ये बताओ है कितने की? 5 पेटी। लेकिन अजय भैया ने तो कहा था 4 लाख। और अजय? नहीं, वो एंथनी ने कहा था कि 4 लाख लगेंगे और अब तुम 5 लाख बोल रहे हो। अजय साहब का नाम सुनते ही अपुन को डाउट हुआ, तो अपुन ने इसकी आवाज माइक्रोफोन पे सुनी। भैया वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे। इस बात से अपुन को 2 बात समझ में आई साहब। एक तो वो अजय साहब से बात कर रहा था, दूसरे अजय साहब अपुन को एंथोनी की आवाज में फोन किया, और ये बात कंफर्म करने के लिए जब अपुन ने एंथोनी को फोन किया तो मालूम ये पड़ा कि एंथोनी ने तो अपुन को फोन किया ही नहीं था। इस बात से अपुन को पक्का यकीन हो गया साहब कि ये फोन एंथोनी की आवाज में अजय साहब का था। मिस्टर डिकॉस्टा, आप 4 साल पहले जेल गए थे, 2 साल के लिए, करेक्ट? यस मैम। आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर डिकॉस्टा, आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर अजय ने। जेल जाने से पहले आपने अजय साहब को धमकी दी थी? नहीं, वो झूठ मत बोलिए मिस्टर डिकॉस्टा, क्योंकि कोर्ट में वो दोनों लोग मौजूद है जिनके सामने आपने धमकी दी थी। गुस्से में निकल गया होगा मैम। आपने क्या कहा था? यही के अपुन तेरे को देख लेगा। और आज मौका मिलते ही आपने देख लिया। जैसे ही इन पे मर्डर का इल्जाम लगा, आप अदालत पहुंच गए सरकारी गवाह बनके ताकि अपना बदला ले सके। क्या बात कर रही है मैडम? मैं ठीक बात कर रही हूँ मिस्टर डिकॉस्टा। योर ऑनर, कितनी अजीब बात है कि हम एक मामूली से क्रिमिनल की बात सुनने को तैयार है और एक पुलिस ऑफिसर के सारे मेडल्स भूल रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट चाहता हूँ। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्यों, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जानती हूँ मेरे क्लाइंट सच बोल रहे हैं, इसलिए मुझे और मेरे क्लाइंट को कोई एतराज नहीं है। लेट्स हैव द लाइट डिटेक्शन टेस्ट। परमिशन फॉर लाइट डिटेक्टर टेस्ट ग्रांटेड। आई एम रेडी, प्लीज प्रोसीड। क्या आप चल सकते हैं? No. क्या आपको अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में पहले से पता था? No.
क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। रिपीट द क्वेश्चन। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। मिस्टर निगम, आपने सही कहा था, 2 ही मिनट से लगा सच और झूठ जानने में। तुझे पता है ना सावंत, क्या खेल खेला जा रहा है। सर मुझे ये जब कानून जानने वाला आदमी कानून को तोड़ने की कोशिश करता है। सर ये उसको नेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पी पी स्कॉच है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि। तुझे क्या नहीं लगता? तू जानता है मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ? आप सर लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है ना, इसको चीट किया जा सकता है। लेकिन सर मशीन के सामने आदमी तो। अरे मशीन मशीन है, आदमी आदमी है, मशीन को आदमी ने बनाया। उसे बहुत से क्रिमिनल्स को देखा है, उसे स्टडी की है मशीन की, उसने 1 महीना 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया झूठ बोलने का। वो झूठ बोल रहा है। Did you kill your wife? No. वो सब ठीक है सर, लेकिन अजय सर चल नहीं सकते। अजय चल नहीं सकता? तू जानता कि मैं जानता हूं? मैंने वर्षों काम किया उसके साथ, मैं जानता हूं उसको। वो चल सकता है? वो झूठ बोल रहा है। वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है? Sit down. प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अजय श्रीधर पर लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद हैं। ये कोर्ट अजय श्रीधर को बाइज्जत बरी करती है। कंग्रेचुलेशंस। कोर्ट is adjourned. अगर हम ये प्रूव कर पाते कि चल सकता है तो रिजल्ट कुछ और ही होता। Anyway, ठीक है मुझे पता है तुम चल सकते हो। एंड आई विल प्रूव इट। ये चल सकता है? ही कैन, आई नो ही कैन वॉक। ये झूठ है। आई नो ही कैन वॉक। मुझे पता है यू कैन वॉक। ही कैन वॉक। ही कैन वॉक। ये झूठ है। मुझे पता है अजय, मुझे पता है यू कैन वॉक। तू चल सकता है।
अजय, तो मेरे बिना तेरी चलती नहीं है, मेरे बिना यू आर यूजलेस, मेरे बिना तो बिल्कुल बेकार है। तुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तुझे खड़ा होना है, दिस इज माय ऑर्डर। मैं गलत कैसे हो गया? शायद मैं पुलिस में रहने के काबिल नहीं। पुलिस कमिश्नर आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सालों काम किया वही लोग आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है सर? बोलिए सर, बोलिए सर, क्या आप इस्तीफा देंगे? देखिए सर, इसको हेलो सर, आप इन्हें को छोड़ दीजिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम सर, लेकिन अजय उसने भरी अदालत में सबके सामने सर, उसने वही किया जो उसे राइट लगा, और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, थैंक यू सर। विनय, अजय सर ने कमिश्नर साहब को फोन किया था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए, और साथ में ये भी कहा है कि विनय जैसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है इस पुलिस फोर्स को। राधिका उन्हें एयरपोर्ट लेकर जा रही है, अगले एक घंटे में उनकी फ्लाइट है, वो अमेरिका जा रहे हैं। चलें, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। अजय, बहुत बड़ी भूल हो गई यार, तू तो शायद मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा मुझे नहीं पता। फकीर मी माय ब्रदर। विनय, जो मैं कहना चाहता हूं वो सब इसमें लिखा है। विनय, तुम सही थे, मैं अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में जान चुका था, मैंने प्लान करके उन दोनों का मर्डर किया। तुम सोचते होगे कि अब ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, सच कहूं तो मुझे उन दोनों के मरने का अफसोस नहीं है, अगर कोर्ट में तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सका। I know, he can walk. गलत मैं था,
तुम सही होते हुए भी कोर्ट में गलत साबित करती है क्या? I'm sorry विनय, मर्डर करने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देता अगर यश मेरी जिंदगी में ना होता। अपने बच्चे के लिए इस पाप का जीतना जरूरी था। मैं अंशिता को बेवफाई के लिए माफ भी कर देता, मगर जब मैंने खुद को मारने की बात की दोनों आसानी से तैयार हो गए। तब भी मुझे लगा अंशिता मुझे मार नहीं सकती, लेकिन जब गोली चलाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, तब मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और अब मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है, अपने दोस्त को सच बताकर। पहली बार अपने उसूलों से हटकर मैंने फैसला किया, जाने दिया उसको। कभी कभी जिंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात, इन सब से परे होती है। इस बात का एहसास मुझे पहली बार हुआ, मुझे जो राइट लगा मैंने किया।